देवास जिले के हाट पिपलिया में रहने वाले और अमेरिकी कंपनी के साइंटिस्ट प्रांचो कांठेड़ का महज 28 साल की उम्र में सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और उन्होंने जैन संत की दीक्षा ले ली। उनके साथ आंधला के प्रियांश लोधा और प्रवन कांसवा दीक्षित ने भी दीक्षा ली। अमेरिकी कंपनी में 125 करोड़ के पैकेज पर डेटा साइंटिस्ट प्रांचो कांठेड़ ने 1.5 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी और देवास आकर रहने लगे थे। सोमवार को उन्होंने जैन संत बनने के लिए दीक्षा ली। प्रांचो के साथ उनके मामा के बेटे एमबीए कर चुके थांदलान के रहने वाले प्रियांश लोधा और रतलाम के पवन कांसवा दीक्षित ने भी सांसारिक जीवन छोड़कर संयम पथ पर अपना जीवन शुरू किया। हाट पिपलिया मंडी प्रांगण में तीनों उमेश मुनि जी के शिष्य जिनेन्द्र मुनि जी से जब दीक्षा ले रहे थे तब हजारों लोग उपस्थित थे। करीब 3 घंटे चली प्रक्रिया में सूत्र वाचन के साथ पारंपरिक प्रक्रियाओं के बाद दीक्षार्थियों ने दीक्षा वस्त्र धारण किए। करीब 4000 लोगों की मौजूदगी और जितेंद्र दुनी मसा, स्वयं मुनि मसा, धर्मेंद्र मुनि मसा आदि की उपस्थिति में दीक्षा कार्यक्रम हुआ। यहां हम आपको बता दें कि हाट पिपलिया निवासी प्रांचो के पिता राकेश कांठेड़ कारोबारी है और उनका पूरा परिवार इंदौर में रहता है। पिता राकेश ने बताया प्रांशुक ने इंदौर के GSITS कॉलेज से BE की और आगे की पढ़ाई अमेरिका में की। MS के बाद प्रांशुक ने अमेरिका में ही 2017 में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी ज्वाइन की। विदेश में रहने के बाद भी वे जैन ग्रंथों का अध्ययन करता रहा और इंटरनेट पर प्रवचन सुनता रहा। नौकरी से मोह भंग होने पर जनवरी 2021 में वह घर लौट आया। इसके बाद गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहने लगा। गुरुदेव द्वारा इस मार्ग के योग्य मानने पर प्रांशुक ने माता पिता से वैराग्य धारण करने की बात कही। माता पिता ने एक लिखित अनुमति गुरुदेव जिनेन्द्र मुनि जी को दे दी। देश के अलग अलग हिस्सों से हाट पिपलिया में जैन संत आए जिनके सानिध्य में प्रांशुक ने दीक्षा ग्रहण की। घर में प्रांशुक की माँ और उसका एक छोटा भाई है। गृहस्थ जीवन का त्याग और मुनि जीवन में प्रवेश, संन्यास जीवन में। पूर्व में उनकी जो सर्विस थी वो अमेरिका में थी, पूरा अध्ययन भी अमेरिका में हुआ उनका। MS उन्होंने अमेरिका से किया, बाकी अध्ययन तो इंडिया में हुआ और सर्विस भी वहीं थी उनकी अमेरिका में। अचानक कैसे, क्या मन बदला कि दीक्षा लेना चाहिए? यहाँ गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहा है शुरू से, उनके सानिध्य से मन बनता गया और बाद में कुछ चिंतन भी हुआ पढ़ने के बाद, उस चिंतन को लेके और दीक्षा के परिणाम बने। मैं यहाँ पर जो बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, आज की जो हाट पिपलिया नगर में श्री सकल श्वेतांबर जैन श्री संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ दीक्षा दी जा रही है, और एक दीक्षा नहीं मिली हमें, यहाँ पर 3 दीक्षा दी जा रही है जो हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्व की बात है। मैं एक ही बात मानता हूँ, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम जैन समाज के हमारे आचार्य श्री होते हैं, जिनको अगर हम थोड़ा सा भी समझ लें तो ये समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें मिले, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और हम सब यहाँ इस पुण्य काम में शामिल हुए हैं। परमात्मा ने हमें ये जो क्षण दिया है ये हमारे लिए अभूतपूर्व क्षण है।